हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने चैनल नेहा शर्मा रियल ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के साथ टिंडे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि चटपटी मसालेदार और एकदम तड़कती भड़कती सब्जी की रेसिपी है। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसी के लिए मैं प्याज को छील करके भी पानी में डाल दी, उसको चॉपर में चॉप करूँगी बारीक बारीक। और फिर यहाँ पर टिंडे को भी छील करके देखिए इस तरीके से मैं काट दे रही हूँ। चार भाग में बस कट लगाना है, पूरा नहीं काटना है, आधा ही काटना है। तो अगर चैनल पे न्यू हैं, मतलब पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। रेसिपी देखने के लिए पूरी डिटेल में रेसिपी है, तो ज़रूर देखिए और चैनल वीडियो को लाइक कीजिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये देखिए टिंडे तो कट चुके हैं, इधर देखिए मैं आपको दिखाई नहीं थी। इसी तरीके से कट लगा लेना है छिलका उतारने के बाद। और अब यहाँ पे हैं कुछ सूखे मसाले, इसी चम्मच से, छोटा सा चम्मच है जो डब्बे के साथ में आता है, उसी चम्मच से मैंने यहाँ पे चार चम्मच लिया है धनिया साबुत, और चार ही चम्मच सौंफ है, और दो चम्मच जीरा, और आधी चम्मच मेथी, क्योंकि मेथी में थोड़ा कड़वापन होता है इसीलिए मेथी कम लेंगे। और ये तीन मीडियम साइज का प्याज है, जिसको बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर ली हूँ। आप चाहें तो इसका दरदरा पेस्ट बना लें। और ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसका कलर चेंज है, तो इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्च भी डाल करके पीस ली हूँ, सारा एक ही साथ में, क्योंकि मिक्स तो एक ही साथ करना है। और अब इन मसालों को सूखा ही बस थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस सूखा ही थोड़ा सा गरम कर लेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, नहीं तो फिर ये जलने लगेगा। जैसे ही लगे कि मसालों में से हल्का सा सुगंध आ रहा है, अच्छा सौंधी सी खुशबू आ रही है, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और मेरे पास जो काली कलौंजी होती है वो ख़त्म हो गई थी, अगर आपके पास है तो एक चम्मच वो भी ले लीजिए। और सुबह का टाइम है तो इस टाइम मैं कहाँ से जाऊँगी लेने, तो अगर आपके पास है तो वो भी ले लीजिए, कलौंजी भी एक चम्मच, उससे भी काफ़ी अच्छा सब्जी में या पराठे में फ्लेवर अच्छा आता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मसाले भी भून चुके हैं, और ये देखिए मसाले भी पीस चुके हैं, ज़्यादा बारीक नहीं है, थोड़ा दरदरा ही है। और अब इसमें जाएंगे थोड़े से सूखे मसाले और पाउडर, जैसे कि एक चम्मच हल्दी का पाउडर और एक चम्मच मिर्च का पाउडर और एक ही चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि सब्जी में अच्छा सा कलर आ जाए, ये देखिए। और यहीं पे डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, तो जितना आपकी सब्जी है उसी अनुसार से नमक डाल दीजिए। और उसके बाद ये जो प्याज है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, सबको डाल करके और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाले भी तैयार हो चुके हैं और टिंडे भी तैयार हैं, तो इसको मैं आपको भर के दिखाती हूँ। तो एक टिंडे को उठाना है और मसाला लेना है, और इसको थोड़ा सा ऐसे करते हुए इसी में हम मसालों को भर देंगे इस तरीके से, दोनों साइड से मसाला डालना है। ये देखिए अच्छे से मसालों को भर देंगे दोनों साइड से। एक और मैं भर के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए एक और टिंडे में उठा ले हूँ, और इसमें भी मसालों को ऐसे ही भर देना है, थोड़ा आराम से भरेंगे नहीं तो ये फट जाएगा। ये देखिए क्या, तो इसी तरीके से हम सारे टिंडों को भर करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे।
ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए सारे टिंडे भर करके तैयार हो गए हैं। टोटल मेरे पास 6 ही हैं, 7 था मगर एक खराब निकल गया, उसको मैं फेंक दी। और इतने मसाले भी बचे हुए, तो मसालों को भी फेंकना नहीं है, इसी में इस्तेमाल कर लेंगे। और अब चलते हैं इसको। और इसको इसी तरीके से ढक ढक करके हम पकाते रहेंगे, दो दो तीन तीन मिनट पे चेक करते रहेंगे। और आप लोग देख सकते हैं ये नीचे से पकना भी शुरू हो गया है, थोड़ा ब्राउन कलर भी आ गया है उस पर, चित्ती चित्ती जैसा। तो इसी तरीके से ये पकते जाएगा, और चलाते रहिए और इसको ढकते जाइए। और अभी ना ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, ये थोड़ा सा टूटने लगा है। तो अब यहाँ पे हम जो मसाले हैं वो डाल देंगे। मसालों को किनारे की तरफ से साइड में करके डालेंगे, और मसालों को भी अच्छे से भून करके पका लेंगे। मसाला डालने के बाद फिर मैं ढक दी थी 5 मिनट के लिए, और सब्जी बन करके तैयार एकदम रेडी। थोड़ा सा कसूरी मेथी ज़रूर डालें फ्लेवर के लिए। और ये देखिए कितनी अच्छी लाजवाब और एकदम रंग बिरंगी सब्जी बन करके तैयार हुई है, काफ़ी देखने में अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। और इसके साथ मैं बना रही हूँ उल्टा रोटी, उल्टा रोटी भी बोलते हैं कुछ लोग, और दोस्ती रोटी भी बोलते हैं। तो उसके लिए नॉर्मल आटा लगा लेना, जिस तरीके से हम पूड़ी पराठे के लिए आटा लगाते हैं या रोटी के लिए। और लोई बना लेना है, और एक लोई लेना है चपटा कर लेना है, और उसके एक तरफ रिफाइंड ऑयल लगा लेना है, और उसके बाद उसी पे एक और लोई चपटा हुआ चिपका लेंगे, दोनों तरफ से चिपका देंगे इस तरीके से। और ये तैयारी हो रही है बनने की। और इसको बेल लेना है थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके। और ये देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा, ऐसा लगेगा दो रोटी एक ही बार में है। तो इसको आप जैसे कोई घर पर मेहमान आए हुए हैं उस टाइम भी आप बना करके दे सकते हैं थाली में। एक तो फ़ायदा होता है, एक बार में दो रोटियां बनकर निकल जाती हैं पराठे, और काफ़ी मुलायम होते हैं, अच्छे होते हैं। उल्टा रोटी इसलिए इसको बोलते हैं, इसको उल्टा किया जाता है पलट करके, अभी आपको दिखाऊंगी। और दोस्ती रोटी शायद इसलिए बोला जाता है ताकि दो भाइयों की रोटी होती है, मतलब दो लोई लगा करके। हर जगह का अपना अपना नाम होता है, कुछ लोग कैसे कुछ लोग कुछ करके बुलाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा ही और बचा हुआ है। और देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और उसके बाद बेल आइकन की घंटी को दबा करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे आ जाएगा। और जिस तरीके से हम पराठे सेकते हैं उसी तरीके से अच्छे से सेक लेंगे। और अभी देखिए इस तरीके से ये कितना अच्छे से उखड़ जाता है, जो हम बीच में तेल लगाए थे ना उसी से एकदम अच्छे से उखड़ जाता है। और फिर इसको इस तरीके से पलट करके और दबा देंगे। गरम रहता है तो थोड़ा सा सावधानी से कीजिएगा, वैसे हाथ नहीं जलता है, उतना भी ज़्यादा गरम नहीं होता है। और इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे, और इसको भी इसी तरीके से पलट लेंगे। ये तो सेकते समय ही जब आप तेल डाल करके और सेकिएगा उसी समय उखड़ जाता है, इतना आसान होता है बनाना। और एकदम किसी के साथ भी ये रेसिपी अच्छी जाती है, सब्जी भी पूड़ी पराठे के साथ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।